हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? हम कैपेसिटर से संबंधित कुछ वीडियो बनाए थे, क्योंकि हम आधा सिलेबस क्लास में कर चुके थे, इसलिए कुछ ही क्वेश्चन कैपेसिटर का बनाए थे। अब करेंट इलेक्ट्रिसिटी को हम आगे बता रहे हैं आप लोग। करेंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत, ये फिजिक्स का एक यूनिट है। इसका डिफिनीशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। करेंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत, यानी भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम मूलतः गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि इससे पीछे के वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ा था। इलेक्ट्रो के मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस। द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पहले पढ़ लिया, जहां पे स्थिर आवेशों के बारे में हमें केवल अध्ययन करना था। इसके बाद हमें पढ़ना है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें केवल गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन करना है। फिर इसके बाद आवेश त्वरित होंगे, तो वहां पर जब आवेश त्वरित होंगे तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। धारा विद्युत यानी भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम मूलतः गतिशील आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग ये डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा डिफिनेशन कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें मूलतः गतिशील आवेश के बारे में हम अध्ययन करेंगे, धारा विद्युत उसे हम कहते हैं। अब हम विद्युत धारा करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ये था। अब इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, आप लोगों को ये लगता होगा थोड़ा सा एक जैसा दिख रहा है, पर दोनों में थोड़ी सी मामूली सा डिफरेंस है। ये करेंट इलेक्ट्रिसिटी, चूंकि यूनिट का नाम है, और ये इलेक्ट्रिक करेंट एक भौतिक राशि है, जैसा कि आप लोग को पता है कि ये मूल भौतिक राशि है। तो विद्युत धारा जब आवेश चलेगा तो धारा ही प्रवाह होगा, तो हमें यही पढ़ना है विद्युत धारा। आप लोग को ये डिफिनेशन भी पता है कि आवेश के प्रवाह को हम धारा कहते हैं। तो ये आवेश के प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे, यानी आवेश यहाँ पे चलना शुरू कर दिया, तो आवेश की प्रवाह को हम धारा कहते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में मूल रूप से हमें डीसी करंट के बारे में पढ़ना है, डायरेक्ट करंट। यानी हम यूं बोल दें कि जो हम लोग बैटरी से जो धारा आती है, हम उसके बारे में जानेंगे, डीसी करंट के बारे में यहाँ पर, जिसके पास एक ही दिशा होती है। फिर हम इसी करंट में आगे पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा जो समय के साथ बदलते रहती है, यानी कुछ इस प्रकार साइन का उसका ग्राफ होता है। आगे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ये प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ होता है, और अभी जो हम पढ़ेंगे डीसी करंट उसका ये ग्राफ होता है। और ये प्रत्यावर्ती धारा, जैसे कि हमें गांव में बिजली से मिल रही है, जनरेटर से मिल रही है, जिससे हम पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं वगैरह, ये सब होती है अल्टरनेटिंग करेंट। हिंदुस्तान देश की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे हिंदुस्तान का जो करेंट है उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट, ये प्रत्यावर्ती धारा का होता है। इसके बारे में विशेष जब हम इस चैप्टर में चलेंगे अल्टरनेटिंग करेंट में, तो वहां पर पढ़ेंगे डिटेल से। कुछ इसका रोचक तथ्य आप लोग को बता देता हूँ। जब आप देखते होंगे कि जो घर में बल्ब जलता है वो कंटिन्यू नहीं जल रहा होता है, वो बल्ब 1 सेकेंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है, पर मानव की जो नेत्र होती है ना, इतना संवेदनशील नहीं होता है जो उसको देख सके, तो उसको लगता है कि ये कंटिन्यू जल रहा होता है, लेकिन वो हमेशा जलता नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 1 सेकेंड में एक चक्कर 50
हर्ट्ज कहने का मतलब ये जो करेंट चलती है ना एक सेकेंड में 50 बार ऐसे चक्कर लगा लेते हैं। अब 50 बार ऐसे लगाते हैं आप देख सकते हैं कि 2 बार जीरो हो रहा है, तो एक सेकेंड में 50 चक्कर लगाएगा और एक चक्कर में 2 बार जीरो हुआ अर्थात ये एक सेकेंड में 100 बार जीरो हो जाता है। इसलिए जो बल्ब होते हैं वो 100 बार जलते हैं और 100 बार बुझ जाते हैं। खैर इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे जब इस चैप्टर में पहुंचेंगे तब। अभी हमें डीसी करेंट से संबंधित ही जो पढ़ना है, विद्युत धारा जो बैटरी से संबंधित होती है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, केवल एक डायरेक्शन में ये चलता है, इसके डायरेक्शन में परिवर्तन नहीं होता है। तो विद्युत धारा यानी आवेश की प्रवाह को हम धारा कहते हैं। अब इसका मेजर कैसे करते हैं, इसको मापते कैसे हैं, तो जो इसकी माप होगी इसकी माप के लिए अगर हम फिगर के माध्यम से समझते हैं, ये कोई चालक तार है। अब इस चालक तार से टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इकाई समय में जितने आवेश इस चालक से होकर प्रवाहित होगा उसी को हम यहां पर धारा कहेंगे। यानी टी समय में एक एक नियम से हम देख सकते हैं, टी समय में क्यू आवेश तो इकाई समय में कितना हो जाएगा क्यू अपॉन टी, तो हम इसी को बोलेंगे धारा आई बराबर क्यू अपॉन टी, यानी ये हो जाएगी धारा की माप। इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एकदम सिंपल सा, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम यानी इकाई समय में प्रवाहित आवेश को हम धारा कहते हैं। यदि समय बहुत अल्प हो तो चार्ज भी बहुत अल्प होगा, तो उस स्थिति में हम ऐसा लिख सकते हैं I बराबर dQ अपॉन dt या dQ अपॉन dt यानी आवेश की प्रवाह की दर इसको हम कहते हैं। तो ये हो विद्युत धारा। अब विद्युत धारा को हम लोग को पता है कि विद्युत धारा मूल भौतिक राशि होती है, तो मूल भौतिक राशि है इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। तो धारा का SI मात्रक हो जाएगा एम्पियर। इसका डायमेंशन भी हम लोग को पता है, डायमेंशन भी इसका हम A या फिर I से लिखते हैं। अब ये कौन सी राशि होती है, तो ये अदिश राशि होती है, ये अदिश राशि होती है। ये अदिश राशि कैसे होती है, तो क्योंकि सदिश और अदिश में अक्सर हम लोग को ये बताया जाता है कि वैसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसको हम सदिश कहते हैं। पर करेंट ऐसी चीज है, यहां पे देख सकते हैं कि हमने पहले बताया कि ये डीसी करेंट है। अब डीसी है तो इसमें एक ही डायरेक्शन होते हैं, तो डायरेक्शन भी है और कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होती है। जैसे हम 10 एम्पियर बोले तो इसकी मात्रा भी 10 है। अब इसमें वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों होने के बावजूद भी ये अदिश राशि है। तो ये अदिश राशि को हम ऐसा अपवाद नहीं मानते, चूंकि रीजन होता है, जितने भी सदिश राशि होते हैं उसको जोड़ने का घटाने का गुणा करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन ये जो धारा है वो सदिश के जोड़ने का रूल को फॉलो नहीं करता है, जिसके कारण इसके एक अलग श्रेणी में रखा गया है और इसे अदिश राशि कहा जाता है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि हम धारा की ये आवेश की प्रवाह को धारा कहते हैं, यानी आई बराबर क्यू अपॉन टी। इसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है क्योंकि ये मूल भौतिक राशि है। इसका डायमेंशन को हम ए या फिर आई से लिखते हैं और ये अदिश राशि होती है। अदिश क्यों होती है, क्योंकि इसके पास दिशा भी और परिमाण, लेकिन ये सदिश के जोड़ने का जो रूल है उसको फॉलो नहीं करता है। अब हम इस फॉर्मूला से संबंधित ढेर सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो एकाध दो मैं आप लोगों के एकाध दो एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। उसके अलावा मैं बता दूंगा कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो आप अपने घर से बुक से करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन नहीं बने आपसे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं तो फिर बुक का नाम, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर डालकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इस पे मैं करा रहा हूं। जैसे एक चालक तार है, उस चालक तार से
10 एम्पियर की धारा, क्वेश्चन है, एक चालक तार से 10 एम्पियर की धारा एक घंटे तक प्रवाहित होती है, यानी 10 एम्पियर की धारा तो I की वैल्यू 10 हो गई और समय का वैल्यू हो गया 1 आवर, एक घंटा तक प्रवाहित हो रही है तो कितना आवेश उससे होकर प्रवाहित होगा, मतलब Q बराबर वाट। तो सिंपल सा क्वेश्चन, अभी अभी हम लोग देखे कि I बराबर होता है Q अपॉन T, तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, Q बराबर हो जाएगा I इंटू T। तो I, अब यहाँ पर टाइम जो है वो SI मात्रक में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन बनाए थे इस बात का ख्याल रखे कि जो राशि दी हुई है वो एक यूनिट में होनी चाहिए, SI में है तो SI में ही होनी चाहिए, सबके सब CGS में है तो सबके सब CGS में, अर्थात यूनिट समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर समय देख सकते हैं SI में नहीं है तो इसको हम SI में कन्वर्ट कर लेंगे, और समय का SI मात्रक सेकेंड होता है, तो एक घंटा में 60 मिनट और फिर एक मिनट में 60 सेकेंड, यानी 60 गुने 60 सेकेंड अर्थात 3600 सेकेंड ये समय हो गया। तो अब धारा की वैल्यू दी हुई है 10 एम्पियर, टाइम का वैल्यू 1 आवर अर्थात 3600 सेकेंड, और आवेश पूछ रहा है तो हम Q बराबर IT ये यूज करेंगे, और I का वैल्यू 10 और समय का वैल्यू 3600 सेकेंड, ये हो जाएगा 36,000 कूलम, चूंकि आवेश है तो आवेश कैसा है मात्रक कूलम। हमेशा हम क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखें कि किसी का मात्रक हमसे छूटे ना, इसको हम और तरीका से ऐसे भी लिख लेंगे 36 × 10^3, चूंकि 3 को 0 है तो 10^3 कूलम ऐसे लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर हुआ। और हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बीच बता रहे हैं, चूंकि क्वेश्चन है तो उतना ये ध्यान में रहता नहीं है, क्योंकि सब क्वेश्चन को मैं बुक से कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप लोगों को बीच, सिंपल सा क्वेश्चन है। सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड ए गिवन क्रॉस सेक्शन वायर इफ ए करंट ऑफ 1 mA इज फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड, अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिएगा, कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, प्रवाह हो रहा है एक गिवन क्रॉस सेक्शन वायर, एक दिया हुआ तार के क्षेत्रफल से, इफ करेंट ऑफ 1 mA फ्लो थ्रू इट, मतलब इससे 1 mA का अर्थात आई का जो वैल्यू है वो 1 mA है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, टाइम भी दे दिया कि एक सेकेंड है तो कितने इलेक्ट्रॉन इससे पास हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी अभी हम लोग देखे कि I बराबर होता है Q अपॉन T, यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो Q का वैल्यू हो जाएगा I T, ये हो गया, I का वैल्यू दिया हुआ है 1 mA, तो हमें समय SI मात्रक में है तो इसको भी SI में बदलना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर हम इसको SI में बदल लेंगे, चूंकि मिली है तो 10^-3 से गुना कर लेंगे अर्थात 1000 से भाग देना है, तो 1 × 10^-3 एम्पियर ये धारा की वैल्यू हो गई, टाइम 1 सेकेंड है, तो यहाँ पर हम Q बराबर लिख लेंगे तो I की वैल्यू 1 × 10^-3 और समय का वैल्यू 1, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन, तो हमें तो अभी आवेश निकल रहा है, लेकिन पीछे के क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बताए थे आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि आवेश छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है और किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो मौलिक आवेश E का पूर्णांक गुणज होता है, यानी Q बराबर ne, तो इस आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार हम लिख सकते हैं इस Q के जगह पर ne, तो हो जाएगा ne बराबर 1 × 10^-3, अब E अर्थात इलेक्ट्रॉन और n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो n और e का वैल्यू होता है 1.6 × 10^-19 बराबर 10^-3, अब देख सकते हैं कि ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा,
तो n बराबर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 3 और 1.6 × 10 के पावर माइनस 19। ये आप लोगों को भी पता होगा कि जब हम 1 में 1.6 से भाग देते हैं तो 0.625 आता है। तो ये हो जाएगा 0.625 × 10⁻¹⁹, ये जो माइनस 19 है ऊपर आएगा तो प्लस 19 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 3 है। तो यहाँ पर 10 के पावर प्लस में 19 और 10 के पावर माइनस में 3, जब आधार सेम होता है तो पावर जुट जाता है। ये हो जाएगा 0.625 × 10⁻¹⁶, इतना। ये इसका ऐसा मात्रा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये हमने n की वैल्यू निकाली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात एक तार से 1 mA की धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो रही है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 0.625 × 10⁻¹⁶। तो ये क्वेश्चन हुआ। और आगे हम क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को कुछ। एक क्वेश्चन है, इफ द करेंट इन ए वायर विथ टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, कुछ इक्वेशन दिया हुआ है करेंट का समय के साथ, यानी I बराबर 4 + 2t, यानी द करेंट इन ए वायर वैरी विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, यानी किसी तार से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो समय के साथ परिवर्तित हो रही है, जिसका समीकरण यह है। जहां पर I एम्पियर में है, टाइम सेकेंड में है, तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच हैज पासेस थ्रू क्रॉस सेक्शन वायर ड्यूरिंग टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड, यानी टी बराबर 2 सेकेंड से 6 सेकेंड, यानी एक तार से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो इस समीकरण के अनुसार बदल रहा है। और समय क्वेश्चन में पूछ रहा है कि समय बराबर 2 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड के बीच में उस तार से होकर कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो अभी अभी हम लोग देखे हैं कि अगर छोटा सा अमाउंट यदि हम लेते हैं तो जो I का वैल्यू होता है वो dQ/dt होता है। अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो dQ/I × dt, अब इक्वेशन का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो dQ बराबर क्या हो जाएगा 4 + 2t × dt। अब छोटे से समय के साथ जो इक्वेशन वैरी कर रहा है उसके लिए हमने आवेश निकाल लिया। अब आप लोगों को यह पता है कि जब भी वेरिएबल क्वेश्चन आता है जहां पे वो वैरी कर रहा हो, समय के साथ बदल रहा हो और बहुत छोटे से अमाउंट से बदल रहा हो, तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने का मतलब ही होता है कि उसके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, फिर उसको जोड़ देना। तो हम छोटे से समय के रूप में उस आवेश को निकाल लिए। dQ का मतलब बहुत छोटा सा समय और dt का मतलब बहुत छोटा सा समय और dQ का मतलब बहुत छोटा सा आवेश। अब इसको हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना आवेश उस समय अंतराल में प्रवाहित हो रहा है। तो हम इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे, dQ बराबर इंटीग्रेशन 4 + 2t × dt। अब क्वेश्चन में देखना है कि कहां से कहां तक बोल रहा है, तो टाइम है 0 से 2 से लेकर 6 सेकेंड तक, तो 2 से लेकर 6 सेकेंड तक। अब जब हम इस dQ, आप लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन में इस प्रकार अगर dx है तो इसका आंसर वही होता है जो d के साथ है, तो यहाँ पर d के साथ q है तो इसका आंसर हो जाएगा q, यानी कुल आवेश किस समय अंतराल में, तो 0 से लेकर 6 तक बराबर इंटीग्रेशन। अब हम दोनों के साथ इंटीग्रेशन लगा देते हैं अलग अलग करके, तो हो जाएगा 4 dt लिमिट 0 से लेकर 6 तक प्लस इंटीग्रेशन 2t dt लिमिट 2 से लेकर 6 तक। अब यहां पर देख सकते हैं कि d के साथ t है और ये 4 है, तो 4 कांस्टेंट हो गया, वो बाहर चलाएगा, इंटीग्रेशन केवल t का होगा। यहाँ पर भी 2 कांस्टेंट है, उसको हम बाहर कर लेंगे, तो q बराबर हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 2 से लेकर 6 तक dt प्लस, फिर यहाँ पर 2 को बाहर कर लेंगे, 2 से लेकर 6 तक t × dt। अब आप देख सकते हैं ये भी फॉर्म इसी प्रकार का है, तो इसका भी आंसर वही होगा जो d के साथ होगा, अर्थात t होगा, तो q बराबर 4 इंटू t इसका आंसर होगा, लिमिट 2 से लेकर
सिक्स तक, प्लस यहां पर देख सकते हैं टू बाहर है तो टू, लेकिन यहां पर एक टी है, यानी ये इस प्रकार का फंक्शन हो गया x के पावर n इंटू dx। ऐसा जब फंक्शन होता है तो इसको हम क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं और उतना से ही भाग देते हैं, अर्थात इसका आंसर होता है x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर भी देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही फंक्शन है, यहां पर पावर की जगह पर एक है, तो हम पावर में एक जोड़ देंगे और उतना से ही भाग देंगे। तो यहां पर t है और उसके पावर एक है, एक जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा, तो टी स्क्वायर और उतना से ही हम भाग दे लेंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, लिमिट है 2 से लेकर 6 तक। तो q बराबर 4 इंटू, अब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 प्लस, फिर यहां पर t स्क्वायर है तो उसके जगह पर हम लिखेंगे तो 6 का स्क्वायर और माइनस लोअर लिमिट तो 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो q इंटू 4 इंटू 6 में से 2 जाएगा तो फिर ये भी 4 बचेगा, प्लस ये 6 का स्क्वायर मतलब 36 और माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो q बराबर ये 4 को 4 से गुना कर लेंगे 16 प्लस ये 36 में से 4 चला जाएगा तो 32, यानी q का वैल्यू आ जाएगा 48 कूलम। यानी जब समय के साथ धारा वैरी कर रहा हो तो 2 से लेकर 6 सेकेंड के बीच में जो आवेश फ्लो होगा वो q बराबर हो जाएगा 48 कूलम। तो धारा से ये इस फॉर्मूला से संबंधित कुछ 2-3 क्वेश्चन हमने बेसिक से कराए आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बढ़िया लगा होगा, और आप इस प्रकार के क्वेश्चन को घर पे करेंगे, इससे पहले भी जो सिंपल सा क्वेश्चन हमने कराया उस क्वेश्चन को भी आप घर पे करेंगे, और जो भी बुक आपके पास होगा उस बुक से इस फॉर्मूला से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो 12th के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने वो आप कमेंट में लिखेंगे, हम उसको फिर से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करके लेंगे। फिर आगे की थ्योरी को चलते एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं आगे, आगे पढ़ते थोड़ा सा जानते हैं विभवांतर के बारे में, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोगों ने पोटेंशियल पहले ही पढ़ चुका है, जैसा कि आप लोगों को याद होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े होंगे विभव यानी पोटेंशियल, जिसका डेफिनेशन था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इकाई धन आवेश द्वारा किया गया कार्य, यानी बेसिक सा एक डेफिनेशन बोल सकते हैं उसको विभव का। यहां पर हमें है विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, यानी यू समझे कि एक वायर इससे होकर धारा प्रवाहित हो रही है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इसके बीच का हमें विभवांतर निकालना। तो धारा का मतलब क्या चीज, कि यहां से आवेश न प्रवाह हो रहा है, क्योंकि आवेश की प्रवाह को ही तो हम धारा कहते हैं ना, तो यहां से धारा प्रवाहित हो रही है और इसके बीच का हमें विभवांतर निकालना है, जिसको हम लिख सकते हैं VAB, अर्थात A और B के बीच का विभवांतर। तो A और B के बीच का विभवांतर को, क्योंकि विभव का डिफिनेशन हम लोग पहले से पढ़ते हैं, V बराबर होता है W अपॉन Q, यानी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जैसे हम सिंपल सा बोल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वैसे ही यहां पर हम बोल सकते हैं कि इकाई धन आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इकाई धन आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ए और बी बिंदु के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो इकाई धन आवेश द्वारा किया गया कार्य यहां पर भी हो गया, अर्थात अगर हम इकाई धन आवेश को बी से ए तक लाते हैं तो कार्य हो जाएगा डब्ल्यू ए बी, अर्थात ए और बी के बीच का कार्य अपॉन क्यू, क्योंकि ऐसे अगर हम एक एक नियम से समझे तो Q आवेश को A से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बराबर WAB, Q आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य बराबर WAB, तो इकाई आवेश को Q
के लिए क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। और इस यही तो विभवांतर का डिफिनेशन है कि इकाई धन आदेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। अर्थात ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि इकाई धन आदेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो बी ए बी बराबर डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, ये होता है विभवांतर। अब विभवांतर का ऐसा मात्रक हम लोग देख लेंगे। तो ये डब्ल्यू है यानी कार्य, ये Q यानी आवेश। तो V का अगर हम ऐसा ही मात्रक लिखे, V अर्थात विभव यानी पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, V का ऐसा ही मात्रक, इसका ऐसा ही मात्रक लिखेंगे तो ऊपर W है, W का होता है यानी कार्य का होता है जूल, और नीचे Q अर्थात आवेश है, इसका होता है कूलम। तो जूल प्रति कूलम यानी इसको हम ऐसा लिखेंगे जूल कूलम्ब इनवर्स, और इसी को कहा जाता है वोल्ट। तो विभवांतर कैसा है मात्रक बोल दिया, विभव कैसा है मात्रक बोल, चूंकि दोनों तो एक ही चीज है। अब इसका डायमेंशन भी हम लोग लिख लेते हैं, डायमेंशन तो ऊपर डब्ल्यू है, डब्ल्यू का डायमेंशन होता है एन एल स्क्वायर टी माइनस टू, और आवेश आवेश का एटी या फिर हम आईटी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, एटी लिख ले चाहे आईटी। डायमेंशन कभी भी बटा में नहीं लिखा जाता, तो ये नीचे प्लस में है ऊपर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो एम एल स्क्वायर और टी माइनस टू यहाँ पर है, जहां पर टी है जिस पर पावर एक है, ये ऊपर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो टी माइनस थ्री, ए पर भी पावर एक है तो ये ऊपर आएगा तो इनवर्स। तो ये हो जाएगा विभवांतर का डायमेंशन, और विभवांतर क्या होती है तो ये अदिश राशि होती है, ये अदिश राशि होती है। तो इससे संबंधित भी यदि आपके बुक में क्वेश्चन हो तो आप इसे कर सकते हैं, विभव से संबंधित क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं धारा घनत्व करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। धारा घनत्व करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी यानी इसको भी हम फिगर के माध्यम से समझते हैं कि ये कोई चालक है। चालक कहने का मतलब जिससे होकर आवेश आसानी से प्रवाहित हो, और ऐसा हम फिगर इसलिए बनाए हैं क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम दिखा सकें। चालक ऐसा नहीं कि ये चालक कहने का मतलब इतना मोटा होना चाहिए, जरूरी नहीं, वही बैल है, ये भी पतला सा, पर हम फिगर बनाने के लिए इसको बड़ा कर लिए यानी जूम कर लिए इसमें। अब इस चालक का ये अनुप्रस्थ काट, जैसे मान सकते हैं कि ये चालक है, तो इसका जो ये वाला क्षेत्र है इसी को हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, और इससे होकर आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में इकाई धारा प्रवाहित होती है उसको हम बोलते हैं धारा घनत्व, यानी और इसको हम J से लिखते हैं, अर्थात J बराबर होता है I अपॉन E। इसे एक बार और समझ सकते हैं कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से क्षेत्रफल के लंबवत इकाई क्षेत्रफल पर जो धारा प्रवाहित होती है उसको हम धारा घनत्व कहते हैं, अर्थात A क्षेत्रफल से I धारा प्रवाहित हो रही है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो ए क्षेत्रफल से आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इकाई क्षेत्रफल से कितना हो जाएगा आई अपॉन ए। तो किसी चालक के क्षेत्र अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से इकाई क्षेत्रफल से जितनी धारा प्रवाहित होती है उसको हम धारा घनत्व कहते हैं, और इसे जे से सूचित करते हैं, तो जे बराबर आई अपॉन ए। अब जे का ऐसा ही मात्रक लिख लेते हैं, जे का ऐसा ही मात्रक, तो J का ऐसा ही मात्रक आप देख सकते हैं कि ऊपर I है, इसका एम्पियर, नीचे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा एम्पियर,
और मीटर माइनस टू, तो ये इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। इसका डायमेंशन भी हम लोग लिख लेंगे, इसका डायमेंशन तो ऊपर आई है, आई का आई या फिर ए कुछ भी हम लिख सकते हैं, और नीचे क्षेत्रफल है, इसका होता है ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, ऊपर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो आई और एल के पावर माइनस टू। यदि हम आई के जगह पर ए लिए होते तो हम ऐसा भी लिख सकते थे, एल ए और एल के पावर माइनस टू, इसका डायमेंशन होता है। और धारा घनत्व कौन सी राशि होती है, तो ये सदिश राशि होती है, क्योंकि धारा अदिश राशि होती है पर धारा घनत्व सदिश राशि होती है, क्योंकि इसके पास परिमाण भी है, दिशा भी है, और ये जोड़ने का जो लॉ है उसका उसको भी फॉलो करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पढ़ने के बाद बहुत सारा इससे लाभ होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैंने पीछे के भी कुछ वीडियो आप लोगों के लिए इस YouTube चैनल पे डाला था, आप उसको भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, और कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।